हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे हमारे टॉक्सिक प्लांट्स के बारे में। टॉक्सिक प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें हम एक एक चीज उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टॉक्सिक प्लांट हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा रिसिनस कॉम्युनिस, जिसको हम कैस्टर या आरंडी के नाम से जानते हैं। कैस्टर प्लांट आपने सुना ही होगा, मोस्टली जो हम यूज करते हैं एज अ मेडिसिनियन पर्पस के लिए यूज करते हैं। लाइक किसी को हेडेक होता है तो हेडेक के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। साथ में हम रियूमेटिज्म, रियूमेटिज्म जो हमारा बोन में पेन होता है ना, हमारी बॉडी में पेन होता है, बोन में पेन होता है, कहीं भी घुटनों का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, तो उसमें भी हम इसी का जो हमारा कैस्टर ऑयल होता है उसको यूज करते हैं। टूथ एक है, टूथ में आपके दर्द है, पेन है, उसके लिए भी हम इसी को यूज करते हैं। द सीड आर स्मूथ, इसकी सीड बहुत स्मूथ होती है, बहुत मुलायम टाइप की होती है, ओवल शेप की इसकी देखने को मिलती है, एंड मोटल्ड विद लाइट एंड डार्क ब्राउन मार्किंग। मतलब एक ही उसके अंदर दो तरह की आपको मार्किंग देखने को मिल जाती है, ठीक है, कि आधा लाइट ब्राउन है, आधा आपका डार्क ब्राउन है, ठीक है। ये आपको ऑल ओवर इंडिया में हर जगह देखने को मिल जाता है। इसकी पिक्चर देखो, ये भी और भी मतलब किस किस तरह से ये देखने को मिल जाता है। इसका जो प्लांट होता है आपको स्टार शेप का जो लीफ है इसके देखने को मिल जाते हैं, लाइटिश पर्पल कलर की। और जो ये प्लांट है देखो, ये पूरा पूरा इसका सीड फ्रूट जो भी है, फ्रूट है ये हमारा, इसका जो इसका फ्रूट होता है इसके अंदर से एक बीज निकलता है ना, जो लाइट और डार्क ब्राउन कलर का आपको देखने को मिल जाता है। पहले ये कंप्लीट फ्लावर की शेप लेके आता है। इसकी लीफ भी दो कलर की देखने को मिल रही है, एक आपकी मेहरून कलर की एंड देन ग्रीन कलर की। आपको मतलब ये घरों के अंदर डेकोरेशन के पर्पस के लिए काफी देखने को मिलता है। देखो इसमें भी एक कलर सिंगल कलर की ये दिखा रखा है, और इसके ऊपर ये छोटे छोटे आपको देखने को जो मिल रहे हैं ये इसका फ्रूट है। फ्रूट के अंदर से ही इसके बीज निकलते हैं छोटे छोटे। अब ये देखो इसका बीज आपको देखने को मिल रहा है, दो कलर के देखने को मिल रहे हैं ना, दो कलर इसके मोस्टली विजिबल। और ये प्लांट जो होता है हमारा मोटल्ड होता है, दो कलर के आपको देखने को मिलते हैं इसके सीड्स भी। देन अब हम आते हैं टॉक्सिक प्रिंसिपल पे। हमारा रिसिनस जो रिसिनस प्लांट होता है, कैस्टर का जो प्लांट होता है जिसको हम आरंडी बोल देते हैं, उसके रिगार्डिंग बात करें। इसका जो हमारा टॉक्सा एल्ब्यूमिन आपके अंदर इसको देखने को मिलता है, रिसिन देखने को मिलता है। उसी के साथ जैसे आपने टॉक्सा एल्ब्यूमिन एब्रिन प्रिक्टोरियस हमने पीछे पढ़ा था, एब्रिन हमारा रोजबेरी पी का टॉक्सिक प्लांट होता है, और इसके लिए हमारा जो कैस्टर ऑयल होता है इसके लिए रिसिन होता है। रिसिन क्यूमिनिस इसका जो नाम है उसी के उससे आप ले सकते हैं टॉक्साइलमिन। ये हमारा वाटर सोल्यूबल ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन आपको पता है, ग्लाइकोप्रोटीन जो बहुत इजीली सेल सिग्नलिंग या इम्यून रिस्पॉन्स या सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, जो कि सेल को आइडेंटिफाई करके उसको जो टिश्यूज को है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई फॉर्मेशन या इम्यून रिस्पॉन्स के लिए उसको इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के काम आते हैं। उसी के साथ ये मतलब सोल्यूबल हो जाता है, वाटर सोल्यूबल होता है ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। और इसका जो मेन कंटेंट होता है वो सीड के अंदर होता है, जो मेन आपको पॉइजन शो कर रहा है वो सीड ही इसकी शो करता है, जो कि दो कलर के आपको देखने को मिलते हैं, विच इज वेरी वेरी टॉक्सा एल्ब्यूमिन। अब टॉक्सा एल्ब्यूमिन क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जब हमने एब्रस पिक्टोरियस पढ़ा था, एक बार और यहाँ देखें। टॉक्सा एल्ब्यूमिन हमारा प्लांट्स के अंदर पाया जाने वाला एक हमारा टॉक्सिक प्रोटीन होता है, ठीक है, टॉक्सिक प्रोटीन होता है। ये हमारा मेनली क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट मतलब स्टॉप कर देता है जो हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है किसी भी पर्सन के अंदर, उसको स्टॉप कर देता है। एंड ये हमारी ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के अगर आप इसके एक्सपोजर में जाते हो टॉक्सा एल्ब्यूमिन के, तो आपको क्या होता है पॉइजनस इफेक्ट देखने को मिलता है। इंजेक्शन ले लो या उसके एक्सपोजर में भी टच वगैरह भी हो गया तो उससे आपको दिक्कत आती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे ये प्रोटीन के सिंथेसिस को रोकता है सेल्स के अंदर, तो वो हमारा क्या कोज करती है, सेल डेथ। जितने भी आपके सेल बन रहे होते हैं उसकी डेथ कोज कर देती है, जिससे आपके बॉडी के लिए क्या नाम है बहुत हार्मफुल हो जाता है। अब रिसिन क्या करता है, जो उसका टॉक्सिक प्रिंसिपल मेनली क्या है, रिसिन, रिसिन हमारा क्या कर रहा है, ये ब्लॉक कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस को थ्रू द इनहिबिशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ये इसको इनहिबिट कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस को, और उसी के साथ आरएनए पॉलीमर्स को भी। रिसिन के पास हमारे दो तरह के चेन देखने को मिलते हैं आपको, रिजिन ए और रिजिन बी। स्पेशली जो हमारा बाइंडिंग प्रोटीन होता है इन रिसिन बी के अंदर चेन इज अ लैक्टिन, लैक्टिन आपको देखने को मिलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, और
जो कि बाइंड होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन के साथ एंड उसको एनेबल कर देता है टॉक्सिक पार्ट को जो हमारा एंटर करता है सेल के कंटेंट के अंदर। ठीक है, देखो इसका जो हमारा रिसिन भी है उसके अंदर कौन सा पार्ट है, हमारा लेक्टिन, जो कि कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कि बाइंड कर देता है हमारे सेल मेम्ब्रेन के साथ। सेल मेम्ब्रेन के साथ एक बार बाइंड हो गया तो वो अलाउ कर देगा जो हमारा टॉक्सिक पार्ट होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल की जो प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टॉप करने के लिए, सेल के कंटेंट को स्टॉप करने के लिए उसके अंदर एंटर हो जाता है। फिर टॉक्सिक पार्ट जो एंटर हो जाता है वो हमारा राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंदर आपको देखने को मिलता है, उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सेल के अंदर जाके और उसे आपको जो सीवियर डायरिया देखने को मिल जाता है, आपको दस्त लग जाते हैं, इवन ब्लडी स्टूल भी आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। इट ऑल्सो कॉल्ड एग्लूटेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, जो हमारा रेड ब्लड सेल तो होता है उसके अंदर एग्लूटेनेशन देखने को मिलता है एंड हीमोरेफिस भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो तो सीड जो होती है प्रेस्ड होती है, मतलब प्रेस्ड एंड कैस्टर ऑयल इज मेड। अगर सीड को आप बहुत हाई प्रेशर में प्रेस करते हो तो उससे कैस्टर ऑयल बनता है और कैस्टर ऑयल डज नॉट कंटेन रेजिन। कैस्टर ऑयल के अंदर आपको रेजिन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, डज नॉट कंटेन रेजिन विच इज सोल्यूबल इन वाटर, जो कि डायरेक्ट सोल्यूबल हो जाता है वाटर में। अगर इसके अंदर आपको रेजिन देखने को मिल जाए तो वो सोल्यूबल नहीं होगा वाटर के अंदर डायरेक्ट, वो जो सोल्यूबल होता है ग्लाइकोप्रोटीन के साथ होता है। कैस्टर ऑयल जो होता है मेनली जो कंटेन रखता है वो रिसिनोलिक एसिड का रखता है, जो कि हमारा यूज करते हैं प्यूरिगेटिव के लिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है द केक लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑयल इज हाईली टॉक्सिक, जो आपका पार्ट बच जाता है हाईली टॉक्सिक, जितना भी आप ऑयल निकाल लेते हो। ठीक है, रिसिनोलिक एसिड इसके अंदर होता है, उसको निकालने के बाद आपका जो उसका पेस्ट देखने को मिलता है वो हाईली टॉक्सिक होता है एंड जो केक पार्ट का हो गया टॉक्सिन पार्ट हो गया कैन डीएक्टिवेटेड बाय ऑटोक्लेविंग, उसको ऑटोक्लेव कर देते हैं जिससे उसका जितना भी टॉक्सिक पार्ट होता है वो हमारा डीएक्टिवेट हो। ऑटोक्लेविंग आपको पता ही है आपकी लैब के अंदर रखा हुआ जिसके अंदर उसके जर्म्स वगैरह मर जाते हैं एंड यूज एज अ एनिमल फीडिंग, हम उसको एज अ एनिमल फीडिंग उसको यूज कर लेते हैं। अब जो फेटल डोज होते हैं, जो इसकी सीड्स की फेटल डोज होते हैं, 5 से 10 सीड लेने से 6 mg रेजिन एक पर्सन के अंदर चल जाते हैं जिसमें उसकी 2 से लेके 5 दिन के अंदर डेथ हो जाती है। ठीक है, अब टॉक्साएल्ब्यूमिन और फाइटोटॉक्सिन, टॉक्साएल्ब्यूमिन का एक और नाम होता है फाइटोटॉक्सिन, ये टॉक्सिन प्लांट्स होते हैं प्रोटीन के, दे ब्लॉक द प्रोटीन सिंथेसिस, अभी मैंने बताया बाय इनहिबिशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 इन राइबोसोम, द लैक्टिन पार्ट ऑफ द पॉइजन विल बाइंड टू द सेल मेम्ब्रेन एंड अलाउ द अदर पार्ट टू एंटर द सेल कंटेंट, दे कॉज हीमोलाइसिस एंड एग्लूटेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। दोनों दोनों चीजें हमारी हीमोलाइसिस शो कर देती है हमारे रेड ब्लड के साइड। हीमोलाइसिस मैंने आपको बताया था, हीमोलाइसिस जो होता है एक तरह से ब्रेक डाउन करता है हमारे आरबीसी को, जिससे क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है रिलीज हो जाता है ब्लड स्ट्रेम के अंदर, जो जितनी भी हमारे ब्लड स्ट्रेम है, जिसकी वजह से हमारा बहुत तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसी के अंदर आपको एग्लूटिनेशन भी आपको देखने को मिलता है, ये इंट्रा वस्कुलर और एक्स्ट्रा वस्कुलर दोनों हीमोलाइसिस आपको देख रखे थे, इंट्रा और एक्स्ट्रा। इसके अंदर एक बात बताओ, हीमोग्लोबिन जैसे ही हमारा आरबीसी ब्रेक हुआ, आरबीसी टूटा, हीमोग्लोबिन रिलीज हो गया इनटू हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जिससे क्या है ब्लड क्लॉटिंग आपको देखने को मिल जाती है इंटरनली। आपको इंट्रा अंदर की तरफ ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिल सकती है, जैसे ब्रेन हेमोरेफिस हो गया, ऐसे ही हमारा आउटसाइड वो ब्लड बाहर की तरफ भी फ्लो हो जाता है, निकल जाता है। तो ये दो तरह की कंडीशन देखने को मिलते हैं। अब ये वाला जो प्रोसीजर होता है टॉक्सएल्ब्यूमिन एब्रेस पिक्टोरियस रिसिनस क्यूमिनेसिस क्रोटन टिंगलिम एंड जेट्रोपा क्यूरकस, इन चारों के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, यही वाला फिनोमिना यही वाला टॉक्सिक प्रिंसिपल उसके अंदर वर्क करता है। दिस आर द साइटोटॉक्सिक एंड वेस्कुलोटॉक्सिक, दे कॉज हीमोलाइसिस ऑफ रेड सेल्स, सो देयर मे बी हीमोरफेज टेंडेंसी एंड प्रोड्यूस डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, इंट्रावस्कुलर DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन आपको देखने को मिलते हैं, इंटरनल जो ब्लीडिंग होती है वो आपको देखने को मिलते हैं। ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, DIC नॉर्मली लिख देंगे, क्या DIC लिख देंगे नॉर्मल और रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा, क्योंकि अब जो हमारे एग्जाम है बहुत ज्यादा टफ टफ आता है। देयर मे बी हिमेटूरिया एंड रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ट्यूबुल बाय ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका नॉर्मल प्रोसीजर आपका चल रहा है वो प्रोसीजर रुक जाएगा ना, ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया। अब हिमेटोरिया क्या होता है, ये प्रेजेंस ऑफ ब्लड, जो हमारे यूरिन के अंदर ब्लड आ जाता है,
ठीक है, हीमोटेरिया हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर जो ब्लड आता है आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे तरह के होते हैं। अब इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, हम लेबोरेटरी के अंदर देखते हैं यूरिन को, और उसके अंदर से हम पता लगा सकते हैं इसके अंदर ब्लड सेल है या नहीं है। ठीक है, जैसे अब आपको हीमोटेरिया की कंडीशन कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारी फर्स्ट हो गई यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, ब्लैडर और किडनी ट्यूमर, ये सारी की सारी चीजों में आपको हीमोटेरिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। सेम कंडीशन आपको रिसिनस क्यूमिनेसिस कैस्टर जो होता है हमारा, इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। एंड रेनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस आपको देखने को मिलता है, जो कि ब्लड की क्लॉटिंग की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, तो वही रेनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस आता है। दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द टॉक्सिक फाउंड इन जो कोलरा, टेटनस, डायप्थेरिया, बोटुलियम, ये आपकी इन बीमारियों के अंदर जो देखने को मिलता है वही चीजें यहाँ पर देखते हैं। ये आपको रिजेंबल करता है जैसे वाइपर विनोम, जैसे स्नेक बाइट करता है ना, वैसा ही ये एक्शन एक तरह से शो कर रहा है। एंड टॉक्सिलिया आर एंटीजेनिक इन नेचर एंड एंटीडोट कैन बी प्रिपेयर, इसके एंटीजेनिक नेचर की होती है जिसके लिए आप एंटीडोट्स बना लेते हैं। और इसके लिए हमारी एक एंटीटॉक्सिन जो एंटीडोट बना हुआ है, एंटी एब्रिन बना हुआ है ऑलरेडी, कि हम क्योंकि एब्रस पिक्टोरिस के अंदर भी हमारा एब्रिन होता है, उसके रिगार्डिंग एक हमारी एंटीडोट बनी हुई है एंटी एब्रिन, वही इसके लिए भी यूज कर सकते हैं हम एंटीडोट को। अब साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं कैस्टर प्लांट पॉइजनिंग के अंदर, आफ्टर इंजेशन इट विल कॉज बर्निंग सेंसेशन, जैसे ही इसने किसी ने इंजेशन किया तो माउथ के अंदर बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगी, ओसोफेगस स्टमक पूरे पूरे माउथ से स्टार्ट होकर ओसोफेगस से स्टमक तक आपको बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलते हैं। इससे आपको थ्रस्ट प्यास बढ़ जाएगी, सलाइवेशन लार्वा ज्यादा आएगा, नोजिया आपको फील होगा, वॉमिटिंग आएगी, ब्लडी डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है। देयर मे बी मस्कुलर क्रैम्प, आपको मस्कुलर मसल्स में क्रैम्प आने लग जाएंगी, डिजीनेस, डिलीरियम, आपको डिलीरियम होगा, कन्वर्जन, कोमा एंड डेथ, एट लास्ट ये हमारे डेथ की स्टेज आ जाती है इसके अंदर। हेप्टोरिनल फेलर विद जॉन्डिस एंड यूरेमिया में ओकर इफ द सर्वाइवल इज प्रोलॉन्ग, तो मतलब अगर ये दो तरह से हो सकते हैं, एक्यूट जो एक ही बार में होगी, क्रॉनिक, अगर क्रॉनिक है स्लोली स्लोली कोई इसको इंजेक्शन ले रहा है तो उसमें आपको हेप्टोरिनल फेलर या जोंडिस या यूरेमिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, क्योंकि पर्सन सर्वाइव कर रहा है और उसको कंटिन्यूअसली इनहेल कर रहा है, ले रहा है, इंजेक्शन हो रहा है। हेमोरोफिस इज द इंटरनल ऑर्गन लाइक हार्ट, लंग एंड ब्रेन, तीनों के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, बाहर से दिख रही है, अंदर ही अंदर ब्लड क्लॉटिंग आपको देखने को है। द डस्ट ऑफ द सीड में कॉज एलर्जी, जो इसकी डस्ट वगैरह होती है, किसी ने चूरा चूरा कर दिया, डस्ट अगर उड़ के आ जाए तो आपकी बॉडी पे लग रही है तो एलर्जी हो सकता है, स्नीजिंग आ सकती है आपको, हेडेक या एलर्जिक अस्थमा आपको हो सकता है, ये इसके साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके जो ट्रीटमेंट है वही गैस्ट्रिक लेवल यूजिंग वार्म वाटर 1:1000 उसका पोटेशियम परमैग्नेटिक सॉल्यूशन के साथ हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, वही हम उसको स्टमक में जितना भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जितना भी यूज नहीं हुआ बॉडी में, उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हम इसके अंदर देते हैं डिम्यूलसेंट ड्रिंक, डिम्यूलसेंट ड्रिंक क्या होती है, ये हमारी एक तरह से ड्रिंक होती है जो कि जितना भी हमारे बॉडी के अंदर है ना, जो भी इरिटेशन कॉज कर रहा है तो उसको हम इस ड्रिंक को देते हैं एज अ बीवरेज, जिससे क्या होगा इन जो इरिटेशन होती है स्टमक के अंदर, जो बर्निंग सेंसेशन हो रही है वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर हो रही है, जिसकी वजह से जो जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको डाइजेस्ट कर लेती है ड्रिंक लेने के बाद। ठीक है, एक तरह से ये ड्रिंक लेने के बाद जो हमारी स्टमक के अंदर, जो हमारे स्टमक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उसके ऊपर एक तरह से कोटिंग ये क्रिएट कर देता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ओरली टू अल्कलाइन यूरिन, अल्कलाइन बनाने के लिए हम इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट ओरली पर्सन को देते हैं, या ग्लूकोज सलाइन टू कॉम्बैट डिहाइड्रेशन, जैसे कि मैंने कहा इसको अगर हम कैस्टर को लेते हैं पॉइजनस के तौर पे, तो आपको थ्रस्ट आपकी प्यास बढ़ जाती है ना, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है तो आप ग्लूकोज सलाइन को भी यूज करते हैं कि आपकी डिहाइड्रेशन खत्म हो जाए, कम हो जाए, आपको डिहाइड्रेट फील ना हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी अगर हाई लेवल तक चले जाते हैं तो डेथ कॉज होने का रीजन बन सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी नीड इन सम केसेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी हमें जरूरत पड़ती है पर्सन के अंदर, किसी किसी केस में आपको देखने का मिलता है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर्सन को करना पड़ा है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है कि ब्लड डोनेट,
किसी से लेके ब्लड, दूसरे पेशेंट का ब्लड लेके आपकी बॉडी में डालना, जिससे क्या आपके अंदर खून की कमी ना हो। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अब वैसे वैसे देख के पर्सन क्या उसे गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, क्या उसको फील हो रहा है, उसको ठंडे पानी में रहना है, उसे नेचुरल हवा चाहिए, तो वो सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम इसके अंदर करते हैं, ये इसके ट्रीटमेंट्स है। इसके बाद पोस्टमार्टम अपेयरेंस, अब देखो ब्लड कोगुलेशन हो रहा है और बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो इंटरनल ऑर्गन जो होंगे कंजेस्टेड हो जाएंगे, लंग्स भी मे बी कंजेस्टेड देखने को, मे बी ये रिमेम्बर है, मे बी कंजेस्टेड है एडिमिटोसिस, उसके अंदर ब्लड वाटर कुछ फिलअप हो जाएगा। अगर आप बताओ हिमोरफिज हुआ तो ब्लड भी आपके वहां पे लंग्स के अंदर फिलअप देखने को मिल सकता है। देयर मे बी हिमोरफिज इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन म्यूकस, जो आपके स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन म्यूकस है वहां पे आपको छोटे छोटे बम्प्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बम्प, क्योंकि बर्निंग की वजह से उसके बम्प्स बन जाते हैं। स्टमक में कंटेन सीड पार्टिकल्स, स्टमक के अंदर सीड पार्टिकल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे पोस्टमार्टम के टाइम पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। एंड म्यूकोसा मे बी हिमोरफिजिक, जो कि उसके अंदर ब्लड क्या नाम है आरबीसी ब्रेक डाउन हो गया है, तो वही वहां पे इंटरनली वहां एक्सटर्नली शो करेगा। इंटरनली मतलब एक तो मसल्स के अंदर होगा, वो स्टमक के अंदर भी आपको शो होने के देखने को है। सर्कमस्टांसेस ऑफ पॉइजनिंग की क्या होते हैं, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होने का बहुत ज्यादा चांस होता है इसके अंदर, बहुत कॉमन होता है बाय ईटिंग द सेड। बच्चे छोटे मोटे जो छोटे बच्चे होते हैं ये प्लांट को देख के गलती से उसको इंजेस्ट खा लिया उनको, है ना, स्वेल कर लिया। एंड सुसाइड एंड होमिसाइड विद दिस पॉइजन इज रेयर, आपको सुसाइड एंड होमिसाइड कोई किस किस को मार रहा है या सुसाइड वगैरह हो रही है तो बहुत रेयरली आपको देखने को मिलती है। पाउडर ऑफ द सीड में कॉज इरिटेशन, आपको पता है इरिटेशन एंड कॉन्जुगेटिव्स आपको देखने को मिल जाती है, कि जो किसी भी कंस्ट्रक्शन या किसी भी आप जंगल वगैरह में चले जाओ तो वहां पे आपको इससे इरिटेशन होने लग जाएगी, स्नीजिंग होने लग जाएगी, हेडेक होने लग जाएगा। द एक्सट्रैक्ट रिजिन इज यूज्ड बाय इंटरनेशनल सीक्रेट एजेंसी फॉर होमिसाइडल पर्पस, जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं रिजिन का, है ना, जिसको इंक्यूबेट कर रहे हैं, इंक्यूबेट करने के बाद गाय को चारा दे रहे हैं, जिसको मैं एक केक की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही थी, तो हम इसका एक्सट्रैक्ट एज अ इंटरनेशनल सीक्रेट एजेंसी यूज करते हैं, जो कि होमिसाइडल किसी को मारने के पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये वाला जो हमारा रिसिनस क्यूमिनेसिस है उसके। कंजेस्टेड देखो, कंजेस्टेड का मतलब ये देखो, नॉर्मल आपको नॉर्मल एनाटॉमी देखने को मिल रही है, कंजेस्टेड मतलब वही कंजस्ट हो गया, द ओवरिन विद द डायलेटेड ड्यू टू वॉल्व फेलर और ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो, तो ये सारी चीजें कंजक्टिव आपको फोटो इसमें देखने को मिल रही है। पल्मोनरी एडिमा जो एडिमिटेसिस मैं बोल रही हूँ, एक तरह से इसके अंदर हेमोरफिस आपको देखने को मिल रहा है, तो एडिमा फ्लूड एक तरह से जितने एयर स्पेस वगैरह होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, उस एयर स्पेस के अंदर एक फ्लूड फिलअप हो जाता है, या तो आपका ब्लड हो सकता है उसके अंदर या कोई भी लिक्विड भी हो सकता है, तो उसको एडिमेटस हम बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम दूसरा पॉइजन स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड टू, बिकॉज यूजीसी नेट एग्जाम आने वाला है तो आपको प्रिपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं लेके आऊंगी आपके लिए क्वेश्चन, इसका पूरा क्वेश्चन बैंक आपके लिए उठा के लेके आऊंगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा टॉक्सिक प्लांट है क्रोटम टिंगलिम, जिसको हम जमाल घुटा बोलते हैं और इसका एक और नाम है नेपाला। इट इज अ शर्ब हैविंग लीव्स, जो ये जो प्लांट है उसके अंदर लीव्स हैं जो कि ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट में आपको देखने को मिलते हैं। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट यहाँ पे एक लीफ ही आपको यहाँ देखने को मिल गई, एक यहाँ पे आपको देखने को मिल गई, एक यहाँ, मतलब एक तरह से ये ऐसे आपको लीफ देखने को नहीं मिलती, इसके ऑल्टरनेटिव उसमें देखने को मिलते हैं। एंड ग्रो ऑल ओवर द इंडिया, आपको पूरे इंडिया में ये देखने को मिलता है। इसको साउथ में निपाला के नाम से जानते हैं एंड इन केरला इट इज कॉल्ड निर्वालम। निर्वालम ये नाम याद रखना, निपाला एंड निर्वालम। इट सीड रिजेंबल कैस्टर सीड की तरह आपको देखने को मिलते हैं। कैस्टर सीड जो मैंने बताया था वो भी आपको छोटे से देखने को मिलते हैं, दो क्रम लाइट एंड डार्क दोनों ब्राउन कलर में आपको देखने को मिलते हैं, लाइट एंड डार्क ब्राउन कलर के आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक तरह से आपको रिजेंबल वैसी ही होती है, और जैसे हम कैस्टर सीड को जो हमारे होते हैं रिजिनस का जो हमारा प्लांट था उसके अंदर उसको प्रेस करके आप निकालते थे ऑयल, वैसे ही आप इसको भी प्रेस करके क्रोटन ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्रोटन ऑयल इससे बनता है, उससे कैस्टर ऑयल हमारा बनता था। क्रोटन ऑयल कंटेन करता है वैसिकेटिंग कंपाउंड प्रोटोनोलिक एसिड, प्रोटोनोलिक एसिड इसके अंदर आ जाता है, जो वैसिनेटिक कंपाउंड होता है एक तरह से, जो आपको इरिटेशन कोज करता है, इरिटेशन हो गया,
ब्लिस्टर आपको देखने को मिल जाता है बॉडी के ऊपर, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल जाती है, ये सारे सारे इफेक्ट आप इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, इसके कुछ पिक्चर और देख लेते हैं। देखो ये कुछ ऐसा रिजेम्बल करता है, इसका पूरा फ्रूट, इसके अंदर से इसका बीज निकलता है। ये इसकी प्लांट है जो कि ऑल्टरनेटिव होम में आपको देखने को मिलते हैं, एक प्लांट इधर है एक दूसरी तरफ, ऑल्टरनेटिवली इसकी पूरी प्लांट, इसकी ग्रीन कलर की लीव्स होती है और ये आपका फ्रूट आपको देखने को मिलता है। देखिए ये आपको इसका फ्रूट देखने को मिल रहा है, ये लीव्स आपको क्लियरली, मतलब यहाँ पे एनलार्ज करके फोटो तो आपको इतना बड़ा दिख रहा है, नहीं तो ज्यादा ये बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्म में, पहले ये ग्रीन है, उसके बाद ये रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है, इसको निकालोगे तो इसका सीड आपको देखने को मिलता है। अब इसके एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, क्रोटन सीड आर पॉइजनस एंड कंटेन, जो क्रोटन सीड होती है हमारी बहुत ज्यादा पॉइजनस है, और इसके अंदर क्रोटीन विच इज टॉक्सिएल्ब्यूमिन, क्रोटीन इसका एक पार्ट है जो कि टॉक्सिएल्ब्यूमिन होता है। अब मैंने पीछे बताया था आपको एब्रस पिक्टोरियस, इसका जो हमारा टॉक्सिएल्ब्यूमिन जो हमारा टॉक्सिक पार्ट था वो एब्रिन था, एंटी एब्रिन, इसका एंटीडोट हम मतलब एंटीडोट एंटीबायोटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा रिसिनस, जो कि हमारा कैस्टर भी बोल देते हैं, इसके अंदर भी जो हमारा इसका टॉक्सिएल्ब्यूमिन देखने को मिला था वो रिजिन था। ठीक है, अभी हमारा जो हम कर रहे हैं क्रोटन की बात कर रहे हैं, क्रोटन जिसको हम निपाला, निर्वाणा और जमालघोटा, इन सारे नाम से जानते हैं, इसके अंदर आपको प्रोटीन देखने को मिलता है इसका टॉक्सिएल्ब्यूमिन। टॉक्सिएल्ब्यूमिन क्या करता है, जो आपकी जितनी भी आपको सिंथेसिस देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे आपके बॉडी के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो उसको स्टॉप कर देता है, ये एक तरह से टॉक्सिक पार्ट है जो कि हमारा जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसको स्टॉप कर देते हैं, जिससे क्या होता है सेल की जो डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है ना, ये सेल की डेथ कोज कर देता है एक तरह से, सेल की डेथ कोज होने लगी तो वो जो सेल है अपना काम स्टॉप कर देते हैं, जिससे क्या नाम है वो बनते भी नहीं है, मल्टीपल भी नहीं होते, और जिससे पॉइजन को बहुत अच्छे से बॉडी के अंदर इफेक्ट करने की हेल्प मिल जाते हैं। दूसरा आ गया प्रोटोनोसाइड विच इज ग्लाइकोसाइड, ये भी हमारा ग्लाइकोसाइडिक होता है, उसको स्टॉप करता है। ठीक है, प्रोटोनोसाइड, उसके अंदर हमारा कैस्टर ऑयल हमारे लिए पॉइजनस नहीं था, बस यहाँ पे प्रोटोनोसाइड जो हमारा है वो हमारे लिए पॉइजनस देखने को मिल जाता है। अब प्रोटोनोसाइड जो हमारे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ये भी आपको पता है ग्लाइकोसाइड जो होते हैं आपके शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि नॉन शुगर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके बॉन्ड करके अपना ग्लाइकोसाइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको मोस्टली देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपकी एनर्जी स्टोर करते हैं। अब आप बताओ ग्लाइकोसाइड क्या है, तो एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर कर रही है। ठीक है, एनर्जी स्टोर, अब जो मैं आपको बता रही थी ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड एक तरह से आपका एनर्जी स्टोर करने का काम कर रहा है। अब जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो तो नहीं हो रही ना, एनर्जी स्टोरेज तो वो रुक रही है, तो जो हमारे प्रोटोनोसाइड है ग्लाइकोसाइड के साथ मिलके एक तरह से आपको बताया पर्जिंग प्रोटोन इफेक्ट शो करता है, जिससे क्या है इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलती है बॉडी के अंदर जो होती है, आपको एलर्जी, इरिटेशन, ये सारी की सारी बर्निंग सेंसेशन, ब्लिस्टर, ये सारी सारी आपको चीजें देखने को मिल सकती है, जो कि हमारा स्किन के डायरेक्ट टच होने से और म्यूकस जो मैंग्रेन है उसके टच होने से आपको ये वाली चीजें इरिटेटिंग शो करेगी, जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइडिक जो हमारा प्रोटोनोलिक जो प्रोटोनोसाइड यूज हो रहा है वो ग्लाइकोसाइड के साथ मिलके होता है। अब द क्रोटन ऑयल कंटेन क्रोटन ऑयल बन रहा है, उसको हम जब प्रेस कर देते हैं ग्रोजो क्रोटन डिंगले में, प्रोटोनोलिक एसिड बनता है विच इज कंपाउंड ऑफ पावरफुल वेसिकेटिंग रीजन। वेसिकेटिंग का रीजन तो आपको होता है टॉक्सिएल्ब्यूमिन है, और वेसिकेटिंग का मतलब है जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लिस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, इरिटेशन आ रहा है कॉन्टेक्ट में आने से। ठीक है, या तो उसको इनहेल करके म्यूकोसा मेम्ब्रेन पे, या हमारी आउटसाइड द बॉडी के जितनी स्किन पार्ट पे वो टच हो रहा था, एक ब्लिस्टर की फॉर्मेशन आपको दिखा देता है। ये देखो बी आपने सीड्स देख ली, दो कलर की यहाँ पे देखने को मिल रही है, लाइट एंड डार्क ब्राउन कलर की, सेम आपको रिजिनस क्यूमिनस जो हमारे कैस्टर है उसकी भी आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर मिथाइल क्रोटोनिक एसिड होता है, क्रोटन ऑयल डज नॉट कंटेन प्रोटीन, प्रोटीन इसके अंदर नहीं होता, और प्रोटीन क्या है हमारा टॉक्सिएल्ब्यूमिन है। ठीक है, इट इज वेसिकेंट साइन एंड सिम्टम, वेसिकेंट के साइन एंड सिम्टम शो करते हैं, जो कि इरिटेशन के होते हैं। ठीक है, इरिटेशन और हमारा ब्लिस्टर, ऑन इंजेशन देयर विल बी हॉट बर्निंग पेन, अगर आप इसको इंजेस्ट करोगे ऑयल को भी इंजेस्ट करोगे तो बॉडी के अंदर आपको हॉट बर्निंग पेन देखने को मिलता है, माइथ टू स्टमक, माउथ से स्टार्ट होगा और ऑसोफेगस से स्टमक तक ये जाता है,
दिस इज फॉलोड बाय द सेलिवेशन, जो आपका सलाइवा गिरेगा, वॉमिटिंग आपको आएगी, एब्डोमिनल में पेन, वर्टिगो, प्रोस्ट्रेशन, वाटरी डायरिया, सर्कुलेटरी कोलैप्स एंड डेथ। लास्ट आप कोलैप्स, हार्ट अटैक आ गया या डेथ आपकी हो जाएगी। लाइक अदर टॉक्सिएल्ब्यूमिन, जो प्रोटीन कोज होता है एग्लूटेशन ऑफ रेड ब्लड सेल एंड हीमोलिसिस, सेम टॉक्सिएल्ब्यूमिन करता है। हीमोलिसिस आपका शो करेगा इंटरनल एक्सटर्नल, जो आपका आरबीसी होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, एग्लूटिनेशन आपको देखने को मिलेगा, जॉन्डिस हो गया, रीनल फेलर, या आपको मोस्टली ये तीनों की तीनों चीजें आपकी, जो हमारा एब्रस पिक्टोरियस है और रिजिनस है और आपका क्रोटन टिंगलम जिमाल घोटा, तीनों के अंदर आपको देखने को मिलता है। डिलेड डेथ मे बी ड्यू टू हेप्टोरिनल फेलर, जो आपका हेप्टोरिनल फेलर हो उसकी वजह से आपको डिले डेथ देखने को मिल सकती है। फेटल डोज इसके अंदर 4 से 4 सीड या 2 ml ऑफ क्रोटन ऑयल भी इनफ है, जिससे क्या है 4 से 6 घंटे में आपकी डेथ हो जाएगी। और समटाइम डिले भी हो सकती है, डिले कब होगी, जब आपको हेप्टोरिनल फेलर, ये वाला पॉइंट आप रिमेम्बर रखना, ठीक है। डिले कब होती है, जब हेप्टोरिनल फेलर की कंडीशन आती है जिसमें 4 से लेकर 7 दिन के अंदर पर्सन की डेथ कॉज हो सकती है। इसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है, स्टमक को हम वॉश करेंगे वार्म वाटर से 1:1000 पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ, टेमिस्टेन देंगे, एक तरह से विवरेज, जिससे क्या है जितना भी हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ टॉक्सिक पार्ट, तो जो हमारा इनहेल हो चुका है उसको ये एब्जॉर्ब करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर एल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन टू प्रिवेंट एग्लूटिनेशन इन द रिनल ट्यूबल, तो हम इसको भी माउथ के थ्रू देंगे, जिससे कि हमारा जो रिनल ट्यूबल हो गया, रिनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, उस कंडीशन को स्टॉप करेगा। इसके अलावा ग्लूकोज सलाइन हम पर्सन को देते हैं। ग्लूकोज सलाइन अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ग्लूकोज सलाइन क्या करेगा, जितना भी हमारा डिहाइड्रेटेड है ना, डिहाइड्रेटेड होगा बॉडी के अंदर, क्योंकि ये सारे पॉइजन लेने के बाद पर्सन की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, उससे थ्रस प्यास बहुत ज्यादा लगने लगती है, जिससे बॉडी को डिहाइड्रेटेड होने से बचाएगा, डिहाइड्रेट नहीं होगा, हाइड्रेशन उसको मिलते रहेंगे। उसके साथ सिम्टोमेटिक हम ट्रीटमेंट पर्सन को देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमारे ऐसे होते हैं, जैसे कि पर्सन को अगर उसको गर्मी लग रही है तो हम उसको थोड़ा सा ठंडक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा ठंड लग रहा है तो उसे कंबल वगैरह दे दे, मतलब जैसा आपको पर्सन के अंदर देखने को मिल रहा है, उसे फ्रेश एयर चाहिए तो फ्रेश एयर में चल जाएगा, तो हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देते हैं। अब इसकी जो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस है हमारे क्रोटन टिंगलम की, वो हमारा पर्सन एक्सीडेंटल इंजेक्शन ले सकते हैं, इस सीड को कॉमनली आप देखने को मिलता है पर्सन एक्सीडेंटली इसको ले रहा है, सुसाइडल एंड होमसाइडल रेयर देखने को मिलता है। द एक्सट्रैक्ट ऑफ जो एक्सट्रैक्ट मिल रहा है बाय बॉइलिंग विद वाटर एज मिक्स विद फूड, ठीक है, जो इसका एक्सट्रैक्ट निकल जाता है वो आप बॉइलिंग वाटर के साथ या आप फूड के साथ मिक्स करके दे देते हो, जो कि पॉइजनस होता है। रूट ऑफ द प्लांट और ऑयल आर यूज एज अबॉर्टिफिकेशन, अबोर्शन करने के लिए इसकी रूट या प्लांट के या ऑयल कुछ भी यूज कर सकते हैं, उससे अबोर्शन हो जाता है। ऑयल इज यूज एज एरो पॉइजन, एरो पॉइजन आपका वही तीर के ऊपर लगा के आगे लगा के जानवरों को मारने के काम आता है। ऑयल इज अ वेसिकेंट, वेसिकेंट आपको पता है इरिटेशन के लिए या हमारा ब्लिस्टर फॉर्मेशन के लिए आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देन आते हैं हमारी पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात। ऑल इंटरनल ऑर्गन कंजेस्टेड, अब तक जितने हमने पढ़ा है एब्रस, रिसिनस और हमारा क्रोटन, मैं सब में नाम बता रही हूँ, सब में हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ऑलमोस्ट सारे कंजेस्टेड हो जाते हैं। दे मे बी इन्फ्लेमेशन, आपको इन्फ्लेमेशन वही जो आपको बर्निंग है ना, इरिटेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकस, जो म्यूकस होगा स्टमक के अंदर, वहां पे आपको इरिटेशन या ब्लिस्टर देखने को मिलता है। देयर मे बी अ फैटी चेंज इन लीवर, लीवर के अंदर फैटी चेंज देखने को मिलते हैं। जॉन्डिस एंड क्लाउडी स्वेलिंग ऑफ किडनी, किडनी के अंदर जो होते हैं स्वेलिंग आ जाएगी, किडनी के अंदर जो होते हैं स्वेलिंग आपको देखने को मिलते हैं इन डिले डेथ, अगर पर्सन की डिले डेथ है। अभी मैंने पीछे बताया एक ही रीजन है डिले होने का, जो कि नेक्रोट्यूबुलस पर्सन के अंदर हो जाए, जिसकी वजह से 4 से लेकर 9 दिन के अंदर पर्सन की डेथ होती है। ब्रेन एंड लंग में भी कंजेस्टेड एंड एडिमेटोसिस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब कंजेस्ट तो होंगे, एडिमेटोसिस क्या है, उसके अंदर कोई फ्लूड फिलअप हो जाएगा, जितने भी उसके ओपन जहाँ पे एयर सैक होता है, एयर प्रेजेंट होता है, वहां पे फ्लूड या तो ब्लड या कोई भी लिक्विड उसके अंदर फिलअप हो जाता है, जिसे हम एडिमेटोसिस बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे क्रोटन क्रोटन टिंगलम। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, एंड अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू एंड शेयर विद योर फ्रेंड टू,
ठीक है आप लाइक नहीं करते हैं, आप वॉच करते हैं जो कि थोड़ा अच्छा नहीं लगता, देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड. बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम. जेट्रोपा कोर्कस रतन जोत, इसको हम इंडियन नेम में रतन जोत के नाम से जानते हैं, और इसका एक और नाम है फिजिक नथ. ये हमारा प्लांट बेसिकली आपको इंडियन कंट्री के अंदर इंडिया में हर आपको हर प्लेस पे ये देखने को मिल सकता है. हर आपको जंगल फॉरेस्ट आप कहीं भी जाओगे आपको ये प्लांट देखने को मिल जाता है. इसके जो आपको फ्रूट देखने को मिलते हैं लीची के टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, एंड ग्रीनिश एंड ब्राउन कलर के ये दो तरह के आपको देखने को मिलते हैं. सेमी एवरग्रीन हमारा ये प्लांट होता है जो कि हमारे फैमिली यूफोरबिएसी से रिलेट करता है. ठीक है, ये मतलब अदर कंट्री में जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज है सारे के ये आपको देखने को मिलता है. जो इसका लेटेक्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेन टैनिन, इसके अंदर लेटेक्स, लेटेक्स क्या है, जो आप प्लांट को तोड़ते हो ब्रेक करते हो एक व्हाइटिश फ्रूट निकलता है ना व्हाइट कलर का, उसको ये लेटेक्स बोल रहे हैं. ठीक है, इसके और जितने पार्ट है ना कहीं से भी आप ब्रेक करोगे वहां से आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप टैनिन यहाँ पे क्या है, जो आपका बिटर टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट मतलब अनप्लेजेंट टाइप का आपको टेस्ट और स्मेल देखने को मिलती है, वो चीज आपको इसमें देखने को मिलती है. ठीक है, इसके साथ साथ जो ये प्लांट है, जो इसका फ्रूट है, इस फ्रूट को आप प्रेस करते हो बहुत भारी उससे, तो इसमें से एक ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है इस सीड से, जो कि रिच सोर्स होता है बायोडीजल का. अब बायोडीजल आपको पता है जो कि हमारा डीजल की फॉर्म में यूज किया जाता है. ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. नहीं पता हो तो मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे फ्यूल के चीजें होती है लाइक जो यहाँ पे बायोडीजल की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, बायोडीजल जो कि हमारा एक तरह से बायोफ्यूल का ही टाइप है. बायोफ्यूल हमारी क्या होती है, ये हमारा बायोलॉजिकल मटेरियल जिसमें हमारा प्लांट और एनिमल दोनों के वेस्ट से जो मिलके हमारा फ्यूल बनता है, फॉसिल फ्यूल बनता है, वो हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है जो कि हम यूज करते हैं. उसी के अंदर आपका बायोडीजल आ जाता है जो कि आपको ज्यादातर वेजिटेबल ऑयल से देखने को मिलता है, जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, एनिमल फैट हो गया. ठीक है, इनसे ये आपका मिलता है जो कि डीजल इंजन में यूज होता है. इसी के साथ साथ जो हमारा बायोफ्यूल्स होता है इथेनॉल, इथेनॉल भी हमारा बायोफ्यूल है. ठीक है, अगर आप करंट अफेयर के हिसाब से जाओ तो इथेनॉल को हम डीजल के अंदर इसका कुछ परसेंटेज मिक्स करके हम आगे फर्दर इसको यूज करना चाह रहे हैं, 1 या 2% है आई गेस, आप थोड़ा न्यूज भी देख लेना. ठीक है, ये हमारा कैसे बनता है, फर्मेंटेशन से बनता है. ठीक है, फर्मेंटेशन जितना भी आप फर्मेंटेशन करते हैं ऑफ शुगर इन अ क्रॉप्स लाइक हमारा शुगर केन हो गया, कॉर्न हो गया, तो उसको गैसोलीन के साथ ब्लेंड करके हम इथेनॉल बना लेते हैं. इसके बाद हमारा आता है बायोफ्यूल में एक हमारा बायोगैस, ये आपका पेपर 1 की भी तैयारी हुई है. बायोगैस जो होता है जनरेटेड होता है हमारा एनएरोबिक डाइजेशन से, जो कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर यूज फॉर होता है हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीजों के लिए आप यूज करते हैं. ठीक है, अब ये जो ऑयल होता है स्किन के लिए इरिटेंट होता है, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेटिव होता है, और उसके साथ साथ आपकी स्किन के लिए पुर्गेटिव भी होता है. पुर्गेटिव क्या हो गया, पुर्गेटिव ये जैसे इरिटेशन आपको वो आपके बॉडी के ऊपर लगेगा, रब होगा तो आपको इरिटेशन होगा, उसके साथ साथ आपकी बॉडी के ऊपर ये जो आपको देखने को मिलता है कि पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और अदर चीजें हो जाती है, वो सारी सारी चीजें आपको देखने को मिलते हैं. ये आपका कैस्टर ऑयल जो होता है ना उससे भी ज्यादा इफेक्टिव होता है, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. ठीक है, अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो कैस्टर ऑयल से ज्यादा बॉडी के लिए इम्पैक्टदायक जो होता है जेट्रोपा कुर्कस होता है, और ये हमारा सीड जो होता है जेट्रोपिक एसिड कंटेन रखता है. उसके साथ साथ इसके अंदर एक टॉक्सा एल्ब्यूमिन भी होता है जिसे ट्यूरसिन बोलते हैं. टॉक्सा एल्ब्यूमिन को अभी मैं साथ साथ आपको फर्दर डिस्कस करूंगी. ठीक है, और प्यूरगेटिव जो हमारी प्यूरगेटिव जो टर्म है आपको बहुत बार ये देखने को मिलती है. प्यूरगेटिव भी होता है एक तो स्टिमुलेटेंट होता है, स्टिमुलेंट जो कि हमारा जो इंटेस्टाइनल वॉल्स वगैरह होती है, जैसे आपका स्किन इरिटेंट कर रहा है अगर आपने इस ऑयल को इनहेल मतलब खा पी भी लिया या आप बोर्ड के अंदर भी चले गया तो आपके स्टमक के अंदर जो होगी ब्लिस्टर की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है. इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है ऑस्मोटिक. ऑस्मोटिक में क्या होता है, यह आपका जो इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका स्टूल वगैरह सॉफ्टनिंग होने लग जाता है किसी पर्सन का, ये ऑयल जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रिगेटिव देखने को मिलते हैं, जो डायरिया वगैरह बहुत लिक्विडी पर्सन के देखने को मिलेगा. इसके बाद सेलाइन होता है, एक बल्क फॉर्मिंग हो गया, या मेरे बहुत सारे टाइप पे आपको प्रिगेटिव देखने को मिलते हैं, पर आप पॉइजनिंग में इतना सोच के चलिए
कि ये हमारे स्किन इरिटेंट के लिए होता है और बॉडी में अगर जाता है तो उसके साथ साथ क्या आपको प्यूरेटिव एक्शन देखने को मिलता है, स्टिमुलेंट हो गया, ऑस्मोटिक हो गया, बल्क हो गया, सलाइन हो गया, तो इसमें से कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये पता बॉडी टू बॉडी ये चीजें पर्सन के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ये आपका ये फ्रूट आपको देखने को मिलता है जेट्रोपा कॉर्कस, जो कि आपको ग्रीनिश कलर का और टाइम के साथ जो ब्राउनिश कलर का भी आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर जो इसका बीज होता है, सीड होती है, वो ही आपको फर्दर क्या चीज होती है उसको प्रेस करके ही ऑयल इसका निकलता है, जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है एज कंपेयर टू हमारा जो कैस्टर ऑयल होता है। ठीक है, अब इसकी जो हमारे एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। हम कौन सा वाला है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जेट्रोपा कुर्कस। ठीक है, इसके जो होते हैं सीड कंटेन करता है क्यूरसिन, विच इज अ टॉक्सालबिन। क्यूरसिन जो इसका टॉक्सालबुमिन होता है, जो कि हमारा सेल की डेथ के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है ना, मैंने टॉक्सालबुमिन क्या बताया था, ये हमारा एक तरह का प्रोटीन होता है जो बॉडी में जाने के बाद जो सेल की डेथ होने के लिए उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, अब आपने देखा था एब्रस पिक्टोरियस में अपना रिजिन एब्रिन, और जो आपका कैस्टर ऑयल था उसके आपने आपने रिजिन देखा था। ठीक है, ये आप इसके एक्टिव प्रिंसिपल से जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। दूसरा जेट्रोपिक एसिड विच इज एन इरिटेंट, और एक कैस्टर ऑयल का था जो कि इरिटेंट था, वो भी कैस्टर ऑयल का, पर उससे ज्यादा इरिटेंट हमारा जेट्रोपिक एसिड है। द लेटेक्स फ्रॉम द प्लांट कंटेन जो वाइटिस वाइटिस पार्ट होता है वो आपका टैनिन, टैनिन जो कि आपका बिटर टेस्ट होता है उसका। ठीक है, बिटर टेस्ट स्मेल, अगर आप उसके पास भी जाओगे तो बहुत गंदी स्मेल होती है, तो इसके अंदर टॉक्सिसिटी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है ड्यू टू टॉक्सालबिन क्यूरसिन। जो टॉक्सालबिन क्यूरसिन है वो इसी के अंदर होता है जो इसका वाइटिस पार्ट होता है। ठीक है, जो लिक्विड इसके अंदर से निकलता है। अब इसके हम साइन एंड सिम्टम की अगर बात करेंगे तो ऑन इंजेशन ऑफ द क्रश सीड, आप इसको क्रश करके लोगे तो देयर विल बी अ बर्निंग सेंसेशन फ्रॉम माउथ टू स्टमक, माउथ से जाएगा स्टमक तक, जो ब्लिस्टर पर्गेटिव एक्शन आपको देखने को मिलता है। दिस इज फॉलोड बाय इंटेंस थ्रस्ट, आपको बहुत प्यास लगेगी, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, आपको ये सारी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद देयर मे बी अ डिहाइड्रेशन, अगर आपके जलेगा तो डिहाइड्रेशन भी फील होगी, मस्कुलर क्रैम्प भी होंगे, आपको वीकनेस भी आएगी, डीफनेस, ब्लरीनेस, ब्लर विजन। ठीक है, और इसकी वजह से आपका जो प्यूपिल होगा वो डायलेटेड हो जाएगा। डायलेशन एक कंस्ट्रक्शन होता है, डायलेशन जो बहुत बड़ा सा हो जाता है, कंस्ट्रक्ट बहुत छोटा सा हो जाता है, डायलेशन ऑफ प्यूपल, लॉस ऑफ मेमोरी, आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। लाइक अदर टॉक्सालबुमिन इट मे कॉज हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, वही आपका जो रेड ब्लड सेल में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, हीमोलाइसिस हो जाएगी, आपकी क्लॉटिंग इंटरनल एक्सटर्नल देखने को मिल सकती है, इंटरवास्कुलर कोएगुलेशन एंड हेप्टोरेनल फेलर, आपको ये कंडीशन भी देखने को मिल सकते हैं। ये आपके अदर जो आपने कैस्टर ऑयल हो गया, एब्रस पिक्टोरियस हो गया, ठीक है, और रिजिनस जो हमारे रिजिनस क्यूमिनिकस हो गया, इन सारे के अंदर आपने ये ही चीजें देखी थी। तो जो साइन एंड सिम्टम मोस्टली पॉइजन में, जो प्लांट पॉइजन है, जो इरिटेंट प्लांट पॉइजन है, जो इरिटेंट कोज करता है, उनके अंदर सेम साइन एंड सिम्टम मोस्टली है, एक दो चीजें हैं जो कि ऊपर नीचे है। देयर मे बी सर्कुलेटरी कोलैप्स, फैटलिटी आर रेयर बट एंड कैन ओकर। ठीक है, फैटलिटीज बहुत रेयरली होती है और सर्कुलेटरी कोलैप्स आपको देखने को मिलते हैं। इसकी फैटल डोज है 4 से लेके 5 सीड, और 2 से लेके 3 दिन में राम राम सकते हैं, फैटल पीरियड उसका हो जाता है, पर्सन का खत्म। ठीक है, देन आता है हमारे पोस्टमार्टम फाइंडिंग, जनरली कंजेशन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स एंड कंजेशन ऑफ एडिमा ऑफ लंग्स। ठीक है, एडिमेटोसिस जो देखने को मिलते हैं लंग्स के अंदर, जो लिक्विड वगैरह चले जाता है आपके लंग्स में, कैन बी ऑब्जर्व, सीड पार्टिकल मे बी सीन इन स्टमक, क्योंकि सीड अगर किसी ने खाई है या क्रश करके लिए तो वो पार्टिकल आपको स्टमक में देखने को मिल सकते हैं। सरकम चांसेस ऑफ पॉइजन, ज्यादातर आपको ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में देखने को मिलती है, पर्सन एक्सीडेंटली इसको इंजेक्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलाट्रोपिस, कैलाट्रोपिस ये हमारा प्लांट पॉइजन है, और ये प्लांट पॉइजन में ये हमारा ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजनिंग में ही काउंट होता है। ठीक है, जो कैलाट्रोपिक है ये श्रब ग्रो ऑल ओवर द इंडिया, इट्स फ्लावर लीव स्टॉक एंड रूट आर यूज्ड इन मैनी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। ठीक है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में काफी यूज करते हैं, वैसे भी आपको पता है जितने प्लांट हैं
वो हमारे मोस्टली आयुर्वेदिक उसमें यूज किया जाता है या मेडिसिनल पर्पस में, बट इसका जो होता है आयुर्वेदिक ही एक हमारा एकमात्र है जिसमें इसका यूज किया जाता है। ये आपको दो तरह के देखने को मिल सकते हैं, कैलाट्रोपिस गिगांटे विच हैज व्हाइट टू पर्पल फ्लावर एंड दे आर नॉट सेंटेड, मतलब व्हाइट टू पर्पल कलर के होंगे तो आपके ये सेंटेड नहीं होंगे, मतलब इसमें कोई भी खुशबू आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो इसकी फ्रेग्रेंस होती है वो नहीं देखने को मिलेगी, वो आपका कैलाट्रोपिस गिगांटे है। कैलाट्रोपिस प्रोसीरा वो व्हाइट टू पिंक कलर के आपको देखने को मिलते हैं और इसके अंदर आपको एक बहुत ही प्यारी खुशबू देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस होती है, सेंटेड आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो हमारा कैलाट्रोपिस है आपने देख लिया, एक तो पिंक और व्हाइट आपको देखने को मिलते हैं जो आपके फ्रेग्रेंस वाले हैं जिसे प्रोसेरा बोलते हैं, और गिगांटे आपके पर्पल और व्हाइट होते हैं जिसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होती, इसके अंदर आपको कोई फ्रेग्रेंस देखने को नहीं मिलती, बड़े छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, ये देखो आपने पूजा वगैरह में देखे होंगे या घरों में भी देखे होंगे, ये प्लांट आपको मोस्टली बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए पर्पल वाले में कोई भी आपको खुशबू वगैरह देखने को नहीं मिलती, इवन आपको इसकी एक ब्रीड ये बिल्कुल कंप्लीट व्हाइट भी देखने को मिलती है। ठीक है, जो व्हाइट होती है इसके अंदर भी आपको कोई भी खुशबू देखने को नहीं मिलती, सिर्फ एक पिंक कलर वाले जो होते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो हमारा कैलाट्रोपिस है, इसके आपके 5 तरह के आपको एक्टिव प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं, कैलाट्रोपिन, कैलोटॉक्सिन, कैलेसिटिन, गिगांटे और उशेरिन। ये जो पांचों के पांच हैं ये हमारे टॉक्सोएल्ब्यूमिन होते हैं। ठीक है, जो हमारे प्रोटीन को मतलब जो ये प्रोटीन का एक इनहिबिट कर देते हैं जिससे क्या होता है हमारी सेल की डेथ होने लग जाती है। व्हेन द लीव्स एंड स्टेम्स आर इनसिस थिक मिल्की जूस, इसके अंदर थिक मिल्की जूस निकलता है जिसके अंदर ये आपको पांचों के पांचों एक्टिव प्रिंसिपल देखने को मिल जाएगा। जो व्हाइटी जूस होता है, मिल्की जूस होता है, वही हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, वही हमारे लिए पॉइजनस आपको देखने को मिलता है। अब इसके जो आपको साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जो इसका मिल्क जूस होता है व्हाइटिश कलर का जिसे हम मदार जूस के नाम से जानते हैं, कैलाट्रोपिस में याद है ना, कैलाट्रोपिस में आप जो इसका जूस निकलता है उसको आप मदार जूस के नाम से इंडिकेट करते हो। ठीक है, मे कोज लोकल इरिटेशन, एक तरह से इरिटेशन, इंफ्लामेशन और वेसिकेशन, ये तीनों तीनों चीज आपको इसमें देखने को मिलते हैं। व्हेन इंजेस्टेड इट विल कोज बर्निंग पेन, जैसे ही इंजेस्ट करोगे तो वही बर्निंग पेन होगी, माउथ जो जो इसोफेगस होती है वहां तक जाती है, इवन बर्निंग सेंसेशन है तो आपको ब्लिस्टर वगैरह की फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। ठीक है, परग्यूटिव जो रिएक्शन होता है वो भी आपको देखने को मिलता है, इवन सलाइवा भी बहुत ज्यादा होता है, सलाइवेशन आता है, एब्डोमिनल पेन होता है, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लडी डायरिया, इवन डायलेटेड आपको पीपल देखने को मिल सकती है, डायलेटेड एंड टेटनिक कन्वर्जन, सर्कुलेटरी कोलैप्स एंड एट द लास्ट कोमा एंड डेथ इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। इट आल्सो प्रोड्यूस एरिथमेसिस एंड एवी ब्लॉक, ये दो तरह की चीजें भी एक तरह से प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये भी जो हमारी एक डिजीज है एरिथमेसिस, आपने ये सुनी भी होगी, क्या नाम है, एरिथमेसिस जो होती है हमारी, ये जो डिजीज होती है एक तरह से जो हमारा हार्ट बीट रुकती है उसके अंदर, जैसे मैं किस बताऊं, लाइक इलेक्ट्रिक सिग्नल, अगर किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, ठीक है, उसकी वजह से जैसे आपकी बॉडी में हार्ट बीट में चेंजेस आते हैं उसी तरीके से ये आपकी अर्थवेसिस के अंदर जो आपकी हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट जो होती है वो इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, जो आपकी कुछ 1 मिनट में 7 to 10 जो हार्ट बीट होती है वो बंद हो जाती है, एक बिल्कुल डिफरेंट उसमें हो जाता है, मतलब जो इसका फंक्शन होता है नॉर्मल नहीं रहता। ठीक है, इसके अंदर आप नॉर्मली अगर आप काउंट करते हो एक हार्ट बीट, अगर आप देखते हो, थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं इसको, अगर हम हार्ट बीट की बात करते हैं नॉर्मली आपको देखने को मिलती है। ठीक है, पर इसके अंदर जो हमारे देखते हैं, एक तो हार्ट बीट में आप टैकीकार्डिया कंडीशन देखती है जिसमें क्या होती है, जो हार्ट बीट होती है वो आपकी फास्ट देखने को मिलती है, 100 बीट्स आती है, ठीक है, पर मिनट के अंदर। ठीक है, और एक हमारा नॉर्मल होता है, नॉर्मल में आपको पता है 72 पर मिनट में आपको देखने को मिल सकते हैं, टैकीकार्डिया में आपकी ज्यादा होती है, ब्रैकीकार्डिया में आपकी कम होती है, ब्रैडीकार्डिया, ये चीजें पूछ लेते हैं कहेंगे क्योंकि इससे कनेक्टेड है ना कोई चीजें, तो ये आपकी लो होती है। ठीक है, आपको स्लो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, स्लो इसके स्लो कितना हो जाता है, या आपको 60 पर मिनट आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है,
इसके बाद आपकी और भी चीजें होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, तो बहुत सारी कंडीशन। तो अर्थमेसिस में क्या होता है, वो जो हार्ट बीट होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, ज्यादा कम ब्रीथनेस में शॉर्टनेस आ जाएगी पर्सन को, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स, डिजीनेस, चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम क्या है अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे होते हैं एवी ब्लॉक, एवी ब्लॉक जो होते हैं ये भी आपका एक तरह से हार्ट ब्लॉक की कंडीशन होती है। ठीक है, इसके अंदर हार्ट ब्लॉक के जो जाती है, जैसे हमारे आर्टरी और वेंट्रिकल होती है, वो जो आर्टरी और वेंट्रिकल वर्क करती है वो डिले वो उसको करती है। ठीक है, जो इंटरप्टेड करती है, जो उसकी वो उसको ओपन होना क्लोज होना उसको बहुत डिले कर देता है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको जो एवी ब्लॉकिंग है इसमें भी आपको चीजें देखने को मिलती है। एक तो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉकिंग, देन आपको देख लेते हैं सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉकिंग। ठीक है, और इसके बाद इसमें टाइप 1 टाइप 2 भी आपको देखने को मिल जाती है, एंड देन थर्ड डिग्री एवी ब्लॉकिंग। अब ये डिग्रीज क्या बता रही है, जो एवी ब्लॉकिंग होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल डिले कर देती है। ठीक है, बट इसके अंदर क्या होते हैं, आपके जो भी सिग्नल वेंट्रिकल से कनेक्टेड होते हैं उनके अंदर आपको कोई सिम्टम नहीं देखने को मिलते। ठीक है, ये सिर्फ वेंट्रिकल के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता। ऐसे ही सेकेंड डिग्री में क्या होता है, ये एक सिग्नल्स क्या होते हैं ब्लॉक कर देती है। ठीक है, जिससे हार्ट बीट जो होते हैं मिस हो जाती है, जो 72 आने होते हैं वो नहीं आती, कम आने लग जाती है। ठीक है, मतलब एक एक गैप उसके अंदर आने लग जाता है। वो थर्ड डिग्री के अंदर आकर कंप्लीटली आपका डिसोसिएशन हो जाता है, जो आपके आर्टिकल और वेंट्रिकल होते हैं उसमें आपको ऐसी कंडीशन आ जाती है लाइफ थ्रेटनिंग, लाइक आप मरने की कंडीशन में। तो जो हमारा कैलाट्रोपिस होता है वो आर्थमेसिस एंड एवी ब्लॉकिंग जैसी ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देता है। ये साइन एंड सिम्टम भी देखने को मिलते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे कनेक्टेड है हार्ट बीट से, इरेगुलर हार्ट बीट से। ठीक है, आप इसके अंदर आप ट्रीटमेंट देखोगे, स्टमक वॉश किया जाता है विद वार्म वाटर, वही डिमिस्टन दिया जाता है, मिनरल ऑयल होगा, जिससे क्या जितना भी आपका पॉइजन होगा स्टमक के अंदर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। डिमिस्टन का मतलब ये होता है, ग्लूकोस सलाइन दिया जाता है, एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो हम करते हैं पर्सन के, जैसे उसको लग रहा है गर्मी सर्दी उसके हिसाब से उस इन्वायरमेंट पे उसको लेके जाया जाता है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या होते हैं, ऑल द इंटरनल ऑर्गन आर कंजेस्टेड, जितने भी इंटरनल ऑर्गन कंजेस्टेड हो जाएंगे, ब्रेन में भी कंजेस्टेड, एंड एडिमिटेसिस, एडिमिटेसिस वही फ्लूड वगैरह लिक्विड वगैरह फिलअप हो जाना, जितने भी आपके जहाँ पे आपकी एयर सैक फिलअप होती है। द म्यूकस ऑफ जीआईटी विल बी इन्फ्लेम्ड एंड शो नेक्रोसिस वाली कंडीशन भी शो करते हैं। ठीक है, अब इसके मेडिको लीगल सिम्टम क्या होते हैं, ज्यादातर जो देखा जाता है जैसे इसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती किसी में, है ना, फ्रेग्रेंस नहीं होती, कोई भी स्मेल या खुशबू नहीं होती, तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के भी आप कॉमन चांसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि बड़ा सुंदर सा होता है, कोई टेस्ट करने लग जाए कुछ करे। ठीक है, जो कि हम मेडिसिन और हम जैसे लोग क्या होते हैं इसको यूज करते हैं यूट्रस के अंदर प्रोक्योर कर देते हैं, जिससे क्या अबोशन हो जाता है, बाय क्यूब अबोशन, एज ए स्टिक के उसमें फॉर्म में आता है, जैसे मेडिसिन या पर्पस में बोल रहे हैं, तो उसको उसके अंदर भी अगर आप यूट्रस में रखते हैं तो जिसकी वजह से एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अबोशन के लिए एक और मैंने अबोशन के लिए आपको पीछे बताया था, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन सा वाला मैंने आपको अबोशन के लिए बताया था, कि हाँ अबोशन के लिए ये चीज होती है। यूज फॉर इन्फेंटिसाइड बाय गिविंग द जूस बाय माउथ, जो इन्फेंटिसाइड होते हैं उनको जूस वगैरह बाय माउथ से जूस वगैरह दे देते हैं मारने के लिए, जैसे अगर हम पुराने टाइम की बात करें लड़की वगैरह को मारने के लिए, अगर किसी घर में बेटी हो गई तो उसको मारने के लिए इसका जूस देते थे, जिससे क्या है भाई हार्ट बीट की दिक्कत आती थी और नेचुरल लगता था कि नेचुरल मर गया। यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ब्रुशेज, अब आर्टिफिशियल ब्रुशेज, ब्रुशेज आपको पता है कि अब आपको कोई मुक्का वगैरह मारे, ठीक है, बहुत लड़ाई वगैरह हो जाती है तो ब्रशेस बन जाते हैं। ठीक है, जो आपके डार्किश कलर के आपकी बॉडी में बन जाते हैं, ठीक है, उसे हम ब्रशेस बोलते हैं। अब किसी मुक्का मारा या आपका कहीं हाथ वाथ आ गया है, क्या आप गिर गए हो, तो एक पर्पलिश कलर का निशान बन जाता है, जो कि काफी टाइम तक 10 से लेके 14 दिन में आपके खत्म होते हैं, वो हमारे ब्रशेस होते हैं। ठीक है, ब्रशेस को एक और नाम से जानते हैं हमारा कंट्यूशन। ठीक है, जो कि हमारे जितनी भी स्मॉल ब्लड वेसल होती है उसके आसपास की जो स्किन ब्रेकेज हो जाती है किसी भी ट्रॉमा की वजह से, ठीक है, उसकी सराउंडिंग में लीक हो जाता है हमारा हल्का फुल्का ब्लड, उसके टिश्यूज में हो जाता है, जिससे क्या डिस्कलरेशन आपकी देखने को मिलती है, तो उसको आप ब्रशेस बोलते हैं या कंट्यूशन बोलते हैं। ये हम इसके थ्रू जो हमारा पॉइजन है
कैलाट्रोपिस, इसके थ्रू आप आर्टिफिशियल ब्रशेस बना सकते हो, इसके जो कलर वगैरह जो छूटता है उससे आप बना लेते हैं। यूज एज एरो पॉइजनिंग, एरो पॉइजनिंग भाई जानवरों को मारने के लिए। एज अ कैटल पॉइजन, द जूस इज स्मेल्ड ऑन द क्लॉथ एंड इंट्रोड्यूस इन टू द रेक्टम, सीधा जो कैटल पॉइजनिंग है रेक्टम में उनके लगा दिया जाए जिससे क्या उनकी डेथ हो जाती है। द रूट ऑफ कैलाट्रोपिस प्रोसीरा इज पॉइजनस टू स्नेक एंड इज यूज एज अ स्नेक रेपलेंट। तो इसका जूस होता है प्रोसीरा, जो खुशबू वाला होता है, जो कि हमारे पिंक एंड व्हाइट कलर का होता है, ये कलर याद रखना ठीक है, जो कि स्नेक वगैरह के पॉइजन से भी ज्यादा मतलब उनके रेपलेंट के लिए भी हम उसके लिए तौर पे यूज कर लेते हैं। अब है हमारा सेमी कार्पस एनाकार्डियम, सेमी कार्पस एनाकार्डियम ये भी हमारा प्लांट पॉइजनिंग है और ये भी हमारा ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजनिंग में आता है। इसको हम जो देशी भाषा में बोलते हैं बिलावा, मार्किंग नट और दोबी नट। एक हमारा अभी मैंने पीछे करके कुछ बताया था साइकी नट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो हमारा साइकी नट है वो हम किसको बोलते हैं, कौन से वाले पॉइजन को हम साइकी नट बोलते हैं। द सीड्स आर पॉइजनस, इसकी जो सीड्स होती है छोटी छोटी आपने देखा होगा, आप कभी गांव वगैरह गए होंगे तो आपने वहां पे भी नोटिस किया होगा, ये छोटी छोटी सीड्स होती है बहुत लंबी सी ऐसी कली सी आपको देखने को मिलती है। एक सेकेंड कहाँ गया माउस, व्हाइट कलर में यही दिक्कत आती है ठीक है, ऐसे होती है यहाँ पे आपको ये छोटे 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 ऐसे बिल्कुल ऐसे लगे हुए देखने को मिलते हैं, इवन रोड वगैरह पे भी आपको ये पड़े हुए देखने को मिलते हैं ठीक है। ये इसकी जो सीड्स है ये पॉइजनस होती है। द पेरिकार्प एक्सट्रूड एंड ऑयली जूस, जो ये होती है बहुत ऑयली जूस निकालते हैं वही प्रेस करके ऑन इनसीजन विच इज एन इरिटेंट टू स्किन, तो इरिटेंट है इसलिए ये इसे हम क्या बोल रहे हैं ऑर्गेनिक इरिटेंट प्लांट पॉइजन ठीक है। ये सारे पॉइजन हमारे इरिटेशन कॉज करते हैं एंड फॉर्म ब्लिस्टर, वही इंटरनल और एक्सटर्नल। द जूस इज यूज्ड बाय द धोबीज टू मार्क द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन नट, धोबी के पास आप कपड़े देते हो तो एक मार्क लगाता है ना, वो सेमी कार्पस एनकार्डियम के ही एक जो ऑयल होता है उसी से लगाते हैं, जो कि मतलब कपड़े धोने के बाद भी वो मार्क उसमें रहता है ठीक है, देख लो कितना पक्का ही होता है, यही आपको दो उसमें देखने को मिल जाते हैं, ये आपके नॉर्मल देखने को मिलता है समटाइम आपको ये सेमी कार्पस एनाकार्डियम इस टाइप का भी आपको देखने को मिलता है दो कलर में। ये इसके बीज होते हैं वही सूख गया सेम वैसे ही, जैसे वो पूरा पूरा ग्रीनिश है बाद में ये जो सूख जाता है ड्राई हो जाता है, वही दो आपको डार्क ब्राउन और ब्लैक ऐसे कलर में आपको देखने, ये सूख गया है बिल्कुल ठीक है। इसकी लीफ आपको देखेगा बिल्कुल ग्रीनिश बहुत लंबी लंबी आपको पान के पत्ते की शेप की टाइप के आपको देखने को मिल जाती है। अब जो इसके एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं हमारे सेमिकार्डियम के, ये हमारा सेमिकार्पोल बिलावनोल, ये आपके दो एक्टिव प्रिंसिपल आपको देखने मिल जाते हैं जो कि आपके टॉक्सिलमिन है, जो इसके साइन एंड सिम्टम है वही ऑन कॉन्टेक्ट विद द स्किन द जूस भी प्रोड्यूस, कॉन्टेक्ट आते हैं स्किन के वो जूस आपके प्रोड्यूस हो जाएगा और जिससे इरिटेशन इन्फ्लेमेशन ब्लिस्टर आपको देखने को मिलते हैं। When taken internally by mouth, अगर माउथ से लिया है तो वही बर्निंग पेन आता है, माउथ जो ओसोफेगस, माउथ से खाया है तो वही नीचे तक जितना ओसोफेगस तक जाएगा वहां तक आपको स्टोमक तक पूरा जो है बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है ठीक है। देयर मे बी ब्लिस्टर इन द माउथ, माउथ के अंदर और थ्रोट के अंदर भी आपको ब्लिस्टर देखने को मिल जाते हैं। इट विल कॉज सीवियर गैस्ट्रो इंटेस्टाइन इरिटेशन ठीक है, इरिटेशन बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आपको सहन ही नहीं होगा, वॉमिटिंग एंड डायरिया वही ब्लडी डायरिया की कंडीशन आपको देखने को मिलते हैं। देयर मे बी डायस्ट्रोनिया साइनोसिस एंड फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर देखने को मिल जाता है, द रिफ्लेक्सेस विल बी लॉस्ट एंड देयर मे बी डेलिरियम बिफोर कोमा एंड डेथ, वही वही अलग अलग चीजें दिखना डेलिरियम हो जाना पर्सन का, और इसमें फेटल डोज जो होते हैं 6 से लेकर 8 सीड होती है और वही एक दिन में वही एक डे में पूरा 12 से 24 घंटे में पर्सन का फेटल पीरियड स्टार्ट डेथ हो जाती है ठीक है। इसका ट्रीटमेंट वही है, इफ द जूस गेट कॉन्टेक्ट विद द स्किन, सिर्फ स्किन के कॉन्टेक्ट में आया द एरिया हैज बीन बी वॉश्ड विद द सोप एंड वाटर, आप सीधा वॉश कर दोगे। अगर किसी ने इनहेल कर दिया इनटेक कर लिया है, इनटेक किया है तो डिमिस्टेंट दोगे जितना आपके उसके स्टमक में होगा वो उसको एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल लेगा, एक्टिवेटेड चारकोल दोगे वो भी यही काम करेगा एब्जॉर्ब कर लेगा। टू करेक्ट शॉक फ्लूड कैन बी गिवन, वही फ्रूट वगैरह देंगे उसको ठीक करने के लिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, हम हर पॉइजन में एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रखते ही हैं, जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से हम ढल जाते हैं ठीक है। अब पोस्टमार्टम अपीयरेंस, देयर मे बी एरिथमा एंड ब्लिस्टर एट द एंगल ऑफ माउथ एंड लिप, दोनों पे आपको देखने को मिलते हैं वही एरिथमा एंड ब्लिस्टर देखने को मिल सकते हैं। देयर मे बी इन्फ्लेमेशन एंड ब्लिस्टर, ये देखो कितना पक्का है, धोबी ऐसा अपने कपड़ों के लिए यूज कर रहा है तो वही कोई पक्की चीज अगर गिरेगी तो वो देगी इम्पैक्ट। अभी तक जितने पॉइजन पड़ रहे थे
वहां माउथ और लिप की कहीं बात नहीं चल रही थी, है ना, सीधा अंदर जा रहा है, ब्लिस्टर दे रहा है, इरिटेशन दे रहा है, पर यहाँ माउथ एंड लिप पे आपको ब्लिस्टर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब फॉर्मेशन इन द फेरिक्स एंड इसोफेगस में भी आपको ब्लिस्टर और इन्फ्लेमेशन देखो, एंड द स्टमक म्यूकोसा विल बी इंटेंसली कंजस्टेड, कंजस्टेड हो जाएगी क्योंकि उसमें गया है, एक तरह से एसिडिटी तो काम कर रहा है। ऑल अदर ऑर्गन ऑल्सो कंजस्टेड, सारे के सारे ऑर्गन इसमें कंजस्टेड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपका सेमी कार्पस एनकार्डियम पॉइजन हो गया है यहाँ पे। उसके बाद इसकी कुछ मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स भी हैं, ये आपको रेयरली यूज सुसाइडल और होमिसाइडल पर्पस में देखने को मिलता है। इट इज यूज एज अ क्वैकरी मेडिसिन एंड एक्सीडेंटल पॉइजनिंग कैन ऑकर, भाई एक्सीडेंटल पॉइजनिंग या और मेडिसिन में भी यूज होता है ये। अबॉर्टिफिकेशन अबोर्शन के लिए भी, तीन पॉइजन हो गए अबोर्शन के लिए, अब कौन से हैं वो आप बता दो, इससे पहले जो पढ़ा था और उससे पहले भी एक और पढ़ा था। ठीक है, टोटल तीन या चार पॉइजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए अबॉर्शन के लिए कौन से प्लांट पॉइजन यूज किए जाते हैं। ठीक है, यही चीजें यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे जो एक एक पॉइंट में यहाँ पे बता रही हूँ, तो वही चीजें आपको कैच करनी है। द जूस इज यूज एक्सटर्नली टू प्रोड्यूस ब्रशेस, भाई आप आर्टिफिशियल ब्रशेस बना सकते हैं, लाइक लेसन टू मेक फॉल्स चार्ज अगेंस्ट एन एनिमी और रेप केसेस में ब्रशेस बनाते हैं। इससे पहले मैंने सेमिकार्डियम नहीं कैलाट्रॉपिस पढ़ा था, उसके अंदर बताया था, कैलाट्रॉपिस भी आपका अबॉर्टिफिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये तो आपका है ही। ठीक है, इट इज पॉर्ड ऑन द जेंटल ड्यू टू सेक्सुअल जेलसी, वही जेंटल वगैरह पे भी डाल देते हैं, पोर कर देते हैं वही जेलसी वगैरह के लिए। जूस ऑफ मार्किंग नट इज यूज फॉर जो विट्रियोलाइज होता है, आपके वाइटिस वाइटिस मार्क हो जाते हैं बॉडी के अंदर, आप देखते हो कैल्शियम की कमी, तो वहां पे भी इसको जूस को यूज किया जाता है मेडिकल एस्पेक्ट्स के उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको देखना है, वही क्वेश्चन मेरा इस वीडियो के हिसाब से यही है कि अबॉर्शन के लिए कौन से प्लांट इरिटेंट पॉइजन यूज किए जाते हैं। अब ये हमारा जो ऑर्गेनिक इरिटेंट प्लांट पॉइजन है उसका लास्ट पॉइजन है ग्लोरियोसा सुप्रेवा, जिसे हम मैंथोनी की जंग, ये इसका थोड़ा अजीब सा नाम है, आप प्रोनाउंसिएट कर लीजिए। ये हमारा अफ्रीकन फ्लेम लिली के नाम से भी जाना जाता है। इट इज एन एलिगेंट क्लाइंबिंग प्लांट विच बिलोंग टू द ग्रुप लिली, ठीक है, एंड ग्रो ऑल ओवर द इंडिया। इट इज कॉल्ड क्लाइंबिंग लिली एंड वाइल्ड एकोनाइट, दो नाम से जानते हैं, वाइल्ड एकोनाइट, ठीक है, एकोनाइट भी इसी को बोलते हैं। वाइल्ड एकोनाइट वाला कौन सा, ये क्वेश्चन वाइल्ड एकोनाइट का आपका एग्जाम में पूछा गया है पहले भी। इट्स फ्लावर एट द एंड ऑफ द रेन, जो फ्लावर वगैरह होते हैं वो रेनी रेनी सीजन के बिल्कुल एंड में आपके आते हैं। देखो कितना प्यारा देखने को मिल रहा है, रेडिश कलर का, ग्रीन कलर के लिए, इवन दो कलर के आपको देखे, बहुत प्यारा सा लगता है, लोग घर में इसको डेकोरेशन के उसमें भी रखते हैं। तो ये हमारा लिली की तरह है पर वाइल्ड एकोनाइट है जो कि पॉइजनस होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये इसका पेड़ भी बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा लार्ज ट्री हो जाता है, उसके ऊपर आपको ये फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। इवन देखो ये रेडिश कलर का है, ये येलो कलर का भी देखने को मिल गया, तो ये बहुत सारे कलर का, देखो इस साइड में स्पाइक्स निकले हुए हैं, ऊपर बिल्कुल फ्लावर्स कली निकली हुई है, तो ये आपका प्लांट होता है। इसके जो सीड्स होते हैं बिल्कुल सेंटर में होते हैं जो कि आपके लिए ये पॉइजनस होते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं डिटेल में क्या क्या चीजें इसकी पॉइजनस होती है। द रूट ऑफ दिस प्लांट आर हाईली पॉइजनस, जो इसकी रूट्स होते हैं जो कि वीडियो में तो दिखी ही नहीं, जितनी भी फोटोज मैंने दिखाई हैं, तो इसके रूट है वो प्लांट की बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, एंड कंटेन द एक्टिव प्रिंसिपल, जो आपका एक्टिव प्रिंसिपल होता है टॉक्सिलबुमिन हो गया, कोई ऑयल हो गया, तो वो उसी के उससे निकलता है। रूट्स आर यूज फॉर सुसाइडल एंड होमिसाइडल, दोनों पर्पज से यूज किया जाता है, सुसाइडल एंड होमिसाइडल। इट्स ट्यूबरस रूट कंसिस्ट ऑफ टू ट्यूबर्स यूनाइटेड एट राइट एंगल, दस कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम एकोनाइट। तो ये इसके जो ट्यूबरस रूट होते हैं, ट्यूबर टाइप के, है ना, एक बिल्कुल इसके अंदर बहुत सारे आपको रूट देखने को मिलेंगे, ट्यूबर कहीं ट्यूबरस हो गया एक तरह से रूट, जिसके अंदर आपको टू ट्यूबर यूनाइटेड होते हैं राइट एंगल पे, जो कि डिफरेंशिएट करते हैं इसको एक एकोनाइट के प्लांट से। इट इज यूज एज अडल्ट्रेंट ऑफ एकोनाइट, अडल्ट्रेशन जो हम एकोनाइट पॉइजनिंग में मिलाते हैं, अभी एकोनाइट में पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये उस जैसा रिजेंबल करता है बट ये वो है नहीं। तो इसके जो एक्टिव प्रिंसिपल है, सुपरविन इज अ ग्लाइकोसाइड और कोल्चिसिन इज एन अल्कलॉइड। इसका जो एक्शन होता है, कोल्चिसाइन जो होता है प्रोड्यूस मस्कुलर इरिटेबिलिटी, जो मसल्स में इरिटेशन होती है, ब्लड वेसल का कंस्ट्रक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, वही इसका लोअर द बॉडी टेम्परेचर आपका डाउन कर देता है, पूरा टेम्परेचर बॉडी का डाउन कर देता है। ये वाला एक्शन अभी तक आपने कहीं भी पीछे नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं, इमिडिएटली
जैसे ही आपने इसे इंटेक किया है वही इमिडिएटली इफेक्ट देता है। इंजेक्शन होने के बाद वही बर्निंग होगी, नमनेस होगी, माउथ टू थ्रोट आपके वही इरिटेशन हो रही है, नोजिया हो गई, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लड स्टूल, आपको सलाइवेशन हो गया, थ्रस्ट हो गया, भूख प्यास लग गई, ठीक है, स्वेटिंग होगी, स्पैजम ऑफ मसल्स हो गया, कोमा, कन्वर्जन, सर्कुलेटरी कोलैप्स, और एट द लास्ट इसमें होते जो डेथ होते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर से आपको देखने को मिलते हैं। फेटल डोज 15 से 20 ग्राम दी जाती है, इसकी जो रूट होती है, और फेटल पीरियड 12 से लेकर 24 घंटे में पर्सन मर जाता है। ट्रीटमेंट वही गैस्ट्रिक लेवल दिया जाता है विद वार्म वाटर, आपके स्टमक से चीजें बाहर निकाल जा रही है, ग्लूकोज सलाइन दिया जाता है, वही सपोर्टिव मेजर्स जो आपका सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम अपेयरेंस देयर आर नॉन स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक नहीं है। ऑल द इंटरनल ऑर्गन कंजेस्टेड होते हैं, जैसे सब में होता है, लंग्स विल बी कंजेस्टेड, और एडिमिटेसिस जो एयर सैक है उसमें लिक्विड वगैरह फिलअप होना, ब्रेन में भी कंजेस्टेड, ब्रेन भी कंजेस्टेड हो सकता है, मे बी, ठीक है, मे बी याद रखना, पार्ट ऑफ द रूट मे बी सीन इन द स्टमक, वही रूट के छोटे मोटे पार्ट आपको दिख। सरकमस्टांसेस ऑफ पॉइजनिंग क्या होते हैं, या आपके सुसाइडल एंड होमसाइडल पर्पस में यूज किया जाता है, एक्सीडेंशियल जो पॉइजनिंग होती है वो भी इसके अंदर ऑकर हो जाती है। केमिकल टाइप, द एक्सट्रैक्ट इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड इवेपोरेटेड, जो इसका एक्सट्रैक्ट निकलता है बॉडी के अंदर से उसको क्लोरोफॉर्म से ट्रीट करके इवेपोरेट किया जाता है, टू द रेजिड्यू एड डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जितना रेजिड्यू उसके अंदर बच गया उसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, जिससे क्या होता है डीप येलो कलर का आपको शो हो जाता है, और आपको 100% श्योरिटी हो जाती है कि आपको कौन सा वाला पॉइजन है, ठीक है। अब हमारी यहाँ वीडियो खत्म होती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द अपकमिंग वीडियोज एंड अपडेट्स, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट माई वीडियोज, और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तो आप इस वीडियो के नीचे ड्रॉप कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पे मिलेगा। और हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल भी है फॉर एन एग्जाम के नाम से, और उसके जो आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए इनको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे सब्सक्राइब करने का एक ही फायदा है कि यहाँ पे क्यूज एंड जो अपडेट्स होती है मेरे चैनल की वीडियोस की वो आपको टाइम से पहले मिल जाती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।